रहे हैं कि ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेज गैंगस्टर इलेक्शन है, कांग्रेस वर्सेज गुंडा इलेक्शन है। सत श्रीकाल, मैं हाँ डॉक्टर जिंदर सिंह। पंज अपडेट देखो दर्शकों का स्वागत है। पंजाब के चार विधानसभा की होने वाली जिमनी चोणों को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह पकता जा रहा है, पर गल डेरा बाबा नानक दे करन जा रहे हैं, जिथे कि वक्त पार्टियां के उम्मीदवार भावें कि चोन मैदान में नितरे हुए हैं, पर इतने गैंगस्टरवाद का मुद्दा इस वे काफ़ी भखया होया है। खास तौर पर कांग्रेस के वलों लगातार ये दोष लगाए जा रहे हैं कि गैंगस्टर के वलों लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि कांग्रेस के हक के पिंडा दे विच ना तो वोटा पाइया जाए ना ही बूथ लगाए जाए। हालांकि इस मामले से कोई भी कोई रिकॉर्डिंग या कोई पुष्टि किसी ने भी नहीं की है, पर दोष लगातार लगते विखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा के वलों गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का नाँ लिया जा रहा है, तो अज उन्होंने चोन कमीशन इस मामले से शिकायत भी दर्ज करवाई है, शिकायत भी भेजी है। इस ही उन्होंने डेरा बाबा नानक के पुलिस से भी कई सवाल चुके हैं कि डेरा बाबा नानक के पुलिस को दिवालिया हो गया है, तो पुलिस कोई भी चैकिंग नहीं कर रही है, जिस करके डेरा बाबा नानक के लगातार असला भी आ रहा है, तो चोणों के वड्डे नुकसान होने की उन्होंने चिंता भी जताई है। तुहानू दस दिए कि डेरा बाबा नानक के पिछले लंबे समय तो गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की माता को लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, दोष लगाते रहे हैं। पिछले समय के भी उन्होंने ये दोष लगाया से कि आम आदमी पार्टी के जो हलका इंचार्ज हैं गुरदीप सिंह रंधावा के वलों जग्गू भगवानपुरिया की माता को अपने दफ्तर से सद के सन्मानित किया गया सी। इस तो बाद हुण उन्होंने चोणों के विच तां सीधे तौर पर यह दोष लगाए हैं कि उन्होंने वर्करां नूं खास तौर पर कांग्रेसियों नूं डराया धमकाया जा रहा है कि पिंडां दे विच 20 तरीक नूं जो वोटां पैणियां हन उन्होंने बूथ ना लगाए जाण। सुखजिंदर सिंह रंधावा के वलों हालांकि दोष लगाए जा रहे हैं, पर पंज अपडेट नाल जद गलबात की गुरदीप सिंह रंधावा ने तो गुरदीप सिंह रंधावा ने गैंगस्टरवाद के फोनों के मुद्दे से कहा कि उन्होंने इस बारे कोई भी जानकारी नहीं है। अज मैं DSP डेरा बाबा नानक के अगेंस्ट DDR कटवा के आया कि पंजाब के मेरे पंजाब की नहीं डेरा बाबा नानक इलेक्शन के कोई घटना होंगी है किसी की जानी माल की नुकसान होंगे पूरा सीधा DSP डेरा बाबा नानक जिम्मेवार होएगा, जे किसी की कोई होंगी तो ये FIR की जाए। ये जड़ी चीज़ है मैं कई दिनों तो DGP DIG SSP ईवन इनू भी कहता रहा कि जी इनी चैकिंग करो, कोई गड्डी तो रोको। आज पत्रकार मैं तुम दस दो गड्डी किसी ने रोकी करी नहीं रोकी करी, जे जे गड्डी नहीं पुलिस रोकती तो नजायज असला जिन्ना डेरा बाबा नानक च पहुँच गया वो बचेगा कौन। इस करके देखो दूजी गल आ बंदे जिन्ने खड़े किसी को कोई डर नहीं, जिन्ना गुंडा इन्हों दबाएगा उन्निया वोटा मैं वध पैणगियां, पर पंजाब पुलिस का दुआला निकल गया उल्टा उहदे परिवार को जग्गू भगवानपुरी के परिवार को पहली बारी वेख्या अपनी हिंदुस्तान की हिस्टरी के पहली बारी होएगा कि गुंडे के परिवार को प्रोटैक्शन पंजाब पुलिस दे रही है कि तू जाके आ पुलिस की 4 गनमैन लै ये पिंडा जे जाके प्रचार कर तो यदा कि गैंगस्टरिज्म कि खत्म करांगे जी। ये यदा मतलब उत्साहित कर रहे हैं पंजाब पुलिस ये सारे इकट्ठे रल के ये मैं शिकायत ये जरूर अज पाई है और इलेक्शन कमीशन कहा कि इस DSP से तुरंत कार्रवाई की जाए और इन सजा दी जाए। ये तो जेडे द्वारे ने जो कहते मैं तो कह रहा कि ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेज गैंगस्टर इलेक्शन है, कांग्रेस वर्सेज गुंडा इलेक्शन है गुंडिया की। ये जो मुख्यमंत्री कहता मैं चैलेंज करदा 2 साल पहले इन्हें मैं एक इंसारी का नोटिस दिता सी, मैं जवाब दिता सी एयरपोर्ट मैं जा रहा सी, उतों मैं वापस आके देखा मैं बैठा मैंने पहले नोटिस भेज ये को 2 साल से कुछ नहीं कर सकया। तो इन मैं कहना चाहना कि मुख्यमंत्री साहब अपनी इंटेलीजेंस में पुछो, अपने DGP पुछो, तो जे नहीं तो मैनू नाल विच बुला के पुछ ली मैं दस दूँ किवें लोगों के तेरे गैंगस्टर जिहड़े पिंडा च तुरे फिरदे ने तेरी पुलिस ते तू आम आदमी पार्टी का उन्होंने को प्रचार करा रहे हैं। और डेरा बाबा नानक के लोग बड़े बहादुर ने डट के मुकाबला करेंगे और इन्हें मूंह तोड़वा जवाब देंगे आम आदमी पार्टी है। हुण देखना होगा कि डेरा बाबा नानक तो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो ये दोष लगा रहे हैं उसके संबंध में उन्होंने अच्छ चोन कमीशन को शिकायत भी कर दी है, उसते आने वाले दिनों की कार्रवाई होंगी है, तो चोणों के उपर
गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया जां फिर दूसरे गैंगस्टर दा किन्ना क परछावां पैंदा है। डेरा बाबा नानक तो मनिंदर सिंह हैप्पी दी रिपोर्ट, पंजाब टुडे।